पहले से मन था सर, कहीं साथ नहीं मिल रहा था, ये तो आप लोगों का साथ मिला कि मैं यहाँ तक आ गया, नहीं तो अभी कहाँ रहता मेरे को मालूम नहीं। किसी न किसी के साथ मिलते रहता है, बस हमें अपने सब अगर आपके सपने जिंदा है तो आपको मंजिल मिलती जाएगी। बलम के बतिया हो लगेला जहरवा। अरे मोरी माई रे बोलाऊ नैयरवा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। राजभर समाज में नए नए सिंगर आ रहे हैं और आज हमारे साथ है अखिलेश राजभर। जी हाँ दोस्तों, जैसे मेरा नाम भी अखिलेश राजभर है, इनका भी नाम अखिलेश राजभर है और गायकी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज इनका पहला रिकॉर्डिंग माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुआ है और जब हम कोई शुरुआती काम करते थोड़ा हिचक रहता है, थोड़ा डर रहता है कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन यहाँ मास्टर गुरु जी बड़े प्यार से इन्हें समझा के गाना गवाए। तो पहली बार इंटरव्यू है, पहली बार गाना गा रहे हैं, तो स्वागत है अखिलेश जी आपको नई दुनिया में। आप नए अपने सपनों तक पहुँचे तो क्या कहेंगे गायकी में, पहले आपका परिचय दीजिए फिर जानेंगे गायकी में आपने कैसे कदम रखा। आपका पहले परिचय। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ, राजभर एक्सप्रेस को नमस्कार बोलता हूँ। मैं अखिलेश राजभर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ जी। सर गायकी में कैसे आप, अभी उम्र आपकी काफी कम लग रही है, गायकी में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ इस लाइन में आने के लिए? मेरा बहुत पहले से मन था सर, कहीं साथ नहीं मिल रहा था, ये तो आप लोगों का साथ मिला कि मैं यहाँ तक आ गया, नहीं तो अभी कहाँ रहता मेरे को मालूम नहीं। किसी न किसी के साथ मिलते रहता है, बस हमें अपने अगर आपके सपने जिंदा है तो आपको मंजिल मिलती जाएगी। कैसा रहा आज का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके गाना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। बहुत डर लग रहा था आपके चेहरे पे, काफी डर था? काफी डर था, वो तो गुरु जी का देन है कि मैं वो गाना कर दिया, मुझे लगा नहीं होगा। अच्छा, तो क्या दो बोल हमारे दर्शकों के लिए कि पहला गाना है, थोड़ा माफ करिएगा अगर सुर ताल कहीं कमी हो, क्योंकि आदमी अभी इस लाइन में अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे हर कोई सीख के कोई चीज नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। आप क्या गाए बताइए जरा। मैं दो गाना गाया, गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। सामने कैमरे में बलम के बतिया हो लगेला जहरवा। अरे मोरी माई रे बोलाऊ नैयरवा। ये गाना गाए सर। किस गांव के? एक देहाती गाना है। हाँ, सर देहाती गाना है। अच्छा, तो क्या आपने आप किसको देख के इस लाइन में आए? मैं किसी को देख के नहीं, मुझे लगा कि लाइव बन जाएगी इसलिए मैं सोचा, बहुत पहले ही सोच रहा था लेकिन हो नहीं पाया। कहीं मैं मुंबई आया, यहाँ धर्मेंद्र भैया अखिलेश भैया से मुलाकात हुई तो यहाँ तक आया मैं। तो क्या सपने आगे जाके, जो आपने कैसा कि लाइफ में आगे बढ़ना है, नाम हो जाएगा, तो क्या सपने आपके कुछ तो दिमाग में होगा कि आपको मुझे इस लाइन में यहाँ तक पहुँचना है? दिमाग में अभी कोशिश करूंगा जहाँ तक पहुँच जाऊँ। जहाँ तक नहीं, कुछ तो डिसाइड होगा आपका। क्या डिसाइड है जो अभी तो गोल डिसाइड नहीं है? अभी कोई डिसाइड नहीं, अभी कहाँ तक पहुँचेंगे मंजिल देखा जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला बार भी मुकाम, अभी ये सिर्फ गायकी में अपना कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी मंजिल नजर आती जाएगी। इसका जो सपना है, सपनों पे जो धूल जमी है वो भी धीरे धीरे साफ हो गए, इनका जो धूल थोड़ा थोड़ा हटा रहे हैं, मतलब क्या पहले आना सपना है कि गायकी करना, तो धीरे धीरे धूल हटा रहे हैं, अब जैसे बढ़ेंगे सपने इनके क्लियर होते जाएंगे। जी सर। इसमें माँ बाप का कितना सपोर्ट है? माँ बाप पहले से बोला कि गाऊं तो वो लोग क्या होता है, सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा फिलहाल अपने पे। आपके माँ बाप का सपोर्ट दुनिया छोड़ दीजिए, माँ बाप का? माँ बाप से मैं पूछा नहीं हूँ इसके लिए, अभी फोन नहीं किया हूँ कि नहीं ये करने जा रहा हूँ। मतलब उनको भी सरप्राइज देने वाले हैं? अभी क्या बताओ, अभी पहला गाना जाएगा सरप्राइज ही रहेगा। तो इस गाने से घर वालों को भी सरप्राइज देंगे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।